अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अब वक्त है इंग्लिश की बुक रीडिंग का। ओके, तो शुरू करें। आप सभी बच्चे अपनी रीडिंग बुक्स निकाल लीजिए, इंग्लिश इक्लेयर। चलिए, कल हमने रीडिंग की थी ए टू एल तक, यानी कि ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करके एल फॉर लॉइन तक हमने रीड किया था। आज हम शुरू करेंगे एम फॉर मैंगो, एम फॉर मून, एम फॉर मंकी, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी डिक्शनरी है। चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले एम, ये लेटर तो आपने पहचान लिया होगा। एम, एम फॉर मून, एम फॉर मून, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैट, एम फॉर मैट। नेक्स्ट लेटर है हमारा एन, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। चलिए रीड करें। एन फॉर नर्स, एन फॉर नर्स, एन फॉर नेट, N for net, N for nut, N for nut. Next है हमारा alphabet O. O for owl, O for owl, O for ox, O for ox, O for ostrich, O for ostrich. नेक्स्ट लेटर है हमारा पी, पी फॉर पैरट, पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पियर। मेरे साथ दोहराइए, पी फॉर पियर। अब आगे पेज खोलिए, आगे है हमारा Q, अल्फाबेट Q, Q for Q, Q बोलते हैं कतार को। ये आप लाइन देख रहे हैं ना, लाइन से बच्चे लगे हुए हैं कतार में, तो Q बोलते हैं कतार को, लाइन को। Q for Q, Q for Queen, Q for Queen, Q for Quill, Q for Quill. Next letter है हमारा R, R for Rabbit, R for Rabbit, R for Rat, R for Rat, R for Rose, R for Rose. Next letter है हमारा S, S for Shape, S for shape, S for sheep, S for sheep, S for shoes, S for shoes. Next letter hamara T, T for tree, T for tomato bhi hota hai, hai na? Yahan par T for tree, T for tiger, T for tiger, T for train, T for train. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ है हमारा अल्फाबेट U, U for empire, U for empire, U for umbrella, U for umbrella, U for uniform, U for uniform. Okay? Uniform तो आप पहनते ही हैं जब आप स्कूल आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है अल्फाबेट V, अल्फाबेट V, V for vegetable, V for vegetable, V for van, V for
van and V for violin. V for violin. Next alphabet है हमारा W. W for woman. W for woman. W for window. W for window. And W for watch. W for watch. Next alphabet है हमारा X. X for Xmas card. X for Xmas card. X for X-ray. X for X-ray. और X for xylophone. X for xylophone. Next page open कीजिए. यहाँ है हमारा alphabet Y. Y for yacht. Y for yacht. Y for yak. Y for yak. And Y for yo-yo. Y for yo-yo. Next alphabet है हमारा Z. Z for zebra. Z for zebra. Z for zoo. Z for zoo. And Z for zip. Z for zip. तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, बुक्स में हमने N to Z तक रीडिंग की है. अब आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए. पहले आप अच्छे से वीडियो देखिए, और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखिए और अपनी बुक्स को रीड करिए. अल्लाह हाफिज़.